असम के विश्वनाथ जिला का गोहपुर क्षेत्र के ब्रह्मजान के नज़दीक हुए भयानक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये घटना आज सुबह 8 बजे की है और तेजपुर से गोहपुर के दिशा में आ रही मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार के एक ट्रक के आमने सामने होने पर ड्राइवर ने कार को बाएं तरफ मोड़ते ही नियंत्रण खो दिया और कार ब्रह्मजान नदी में जा गिरी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय एनजीओ सूरजमुखी के कार्यकर्ता मधव सैकैया ने पुलिस और एम्बुलेंस को खबर दी और घाही गाँव पुलिस मौके पर पहुँचकर सभी को गोहपुर सिविल अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने दिनेश्वर प्रसाद शर्मा को मृत घोषित कर दिया और बाकी लोगों को तेजपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कार में कुल 4 लोग मौजूद थे, जिनमें प्रदीप झा और विंदेश्वर प्रसाद को ज़्यादा चोटें आई हैं और बाकी लोगों को मामूली चोट आई है। ये सभी लोग तेजपुर शहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हुआ था? एक मराठी स्विफ्ट गाड़ी तेजपुर से लखीमपुर का तरफ आ रहा था, तो सामने से ट्रक आया ओवरटेक करने का टाइम में, उसको ट्रक को बचाने का चलते वो साइड में काट दिया, ब्रिज का नीचे गिर गया। किसी का डेथ भी हुआ? एक आदमी डेथ हुआ है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है दिनेश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? वो तेजपुर का रहे। तीन आदमी इंजरी हुआ है, वो लोग को एम्बुलेंस को दे के तेजपुर। विश्वनाथ जिला के गोहपुर से अमर शर्मा की रिपोर्ट।